हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करेंगे बहुत ही अच्छी और ख़तरनाक ट्रिक से। तो आज की धांसू ट्रिक्स स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि भिन्नों का जोड़। तो हमें किस प्रकार से भिन्नों को जोड़ना होता है, तो इसको बहुत ही इजी ट्रिक से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली ट्रिक्स स्टार्टिंग होती है, जैसे कि हमारी भिन्न संख्या लिखी है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2। तो इन सभी भिन्नों को यदि हम जोड़े तो हमें नॉर्मल तरीके से जोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट जैसे ही हम ट्रिक से इनको जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। तो देखिए ईजी कैसे होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि सभी भिन्नों में एक 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 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक का अंक यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर तीन बार है और यहाँ पर चार बार है, और इसके साथ आधा लिखा हुआ है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो हम ये देखते हैं कि एक एक का अंक सबसे ज्यादा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो हम 4 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1, 2, 3 और 4। जैसे कि ये 4 तक रिपीट हो रहा है तो हम 4 तक ही गिनती लिखेंगे, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। अब हमने इन सभी को जोड़ दिया। अब इनको जोड़ते हैं 1/2, इसका आधा और इसका आधा और इसका आधा और इसका आधा। अब इनको जोड़ते हैं, देखिए आधा आधा एक और आधा आधा एक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस दो और जोड़ेंगे इसमें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1234 में दो जोड़ेंगे 1236। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी भिन्नों का क्वेश्चन है और इसमें दो भिन्नों को जोड़ा जा रहा है और तीसरी भिन्न इसमें घटाई जा रही है, यानी कि भिन्नों में प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया है। तो इनको कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ईजी ट्रिक्स है इसे हल करने की। सबसे पहले ओवर संख्या जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो देखिए हमारी संख्या है 2, 3 और 2, ये प्लस की है दो संख्याएं, 2 प्लस 3 और माइनस 2। देखिए सबसे पहले हम इनको हल करते हैं, 2, 3 और माइनस 2 इनको, और इसके बाद हम इसको लिखते हैं 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2। अब देखिए माइनस प्लस से ये कट गया, अब हमारा 3 रह गया, प्लस 1/3 और 1/2 इनको जोड़ेंगे तो आधा होता है इनका जोड़, और माइनस 1/2, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया, बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट। अब हम आपके सामने क्रमागत संख्याएं जो प्लस और माइनस की संख्याएं आती हैं उन सभी का जोड़ देखते हैं किस प्रकार से इन सभी को हम जोड़ेंगे। देखिए 1 प्लस का है -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस 7 -8 प्लस 9। तो इस प्रकार की कितनी भी संख्याएं आ जाए तो उनको बहुत ही इजी तरीके से हम जोड़ सकते हैं। अगर लास्ट की संख्या हमारी विषम है तो हम क्या करते हैं, पहली और अंतिम, देखिए पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे। देखिए पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, 1 प्लस 9/2, 9 और 1 जोड़ेंगे 10/2, 5 आ जाएगा, और जो चिन्ह हमारे लास्ट की डिजिट के साथ है वही चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस का है तो प्लस का ही 5 आएगा। तो इस प्रकार हमारी इन सभी संख्याओं का जोड़ +1 -2 +3 -4, इस तरह से सभी संख्याओं का जोड़ आ गया +5।
अब आप इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। देखिए प्लस एक और नौ 10 हो गया, प्लस 3 और 7 ये भी 10 हो गया, और प्लस 5, तो हमने प्लस प्लस जोड़े। अब इसको माइनस को जोड़ते हैं, देखिए -2 और 8 10 हो गया, -4 और -6 ये भी 10 हो गया, तो ये माइनस के हैं। आप देख लीजिए 10, 10, 20 और 5, 25 में से माइनस के 20 घटाएंगे तो प्लस का 5 आ जाता है। देखिए 25 माइनस 20 प्लस का 5, तो देखिए इस तरह से जोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार से है। देखिए अंतिम चिन्ह माइनस का चिन्ह है, तो माइनस आएगा, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लेंगे, -1 -9 माइनस का 10 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस का 5, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया -5। देखिए आपके सामने एक नई ट्रिक्स और आई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिक्स देखेंगे। जब संख्याएं क्रमागत रूप से बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में आ जाए, देखिए जब संख्याएं क्रमागत रूप से बढ़ते हुए और फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में आ जाए और उन सभी का योग पूछा जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9, फिर यहाँ से हमारी घटती हुई संख्या आ गई +8 प्लस 7 प्लस 1, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि क्रमागत संख्या 1 से बढ़ती हुई जा रही है और बड़ी संख्या हमारी इसमें 9 दिखाई दे रही है, और यहाँ से फिर वह क्रमागत रूप से घटती हुई जा रही है 1 तक। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों को कह देंगे क्रमागत रूप से बढ़ती हुई संख्याएं का योग और घटती हुई संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर लेते हैं, तो देखिए जब जो इनमें सबसे बड़ी संख्या होती है, दोनों ओर से देखते हैं 9 और इधर से भी देखते हैं 9, तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का वर्ग कर देते हैं, तो हमें उन सभी का योग ज्ञात हो जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 81। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। यदि इस प्रकार एक ही अंक की बार बार रिपीटेड संख्याओं का योग आ जाए तो उसको कैसे इजी तरीके से जोड़ते हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 6 में 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 प्लस 33333, तो इस तरह की संख्याएं बनी हुई है एक ही अंक की डिजिट से, तो इस प्रकार की संख्याओं का जोड़ हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले देखते हैं जो रिपीटेड संख्या है, 3 3 का अंक रिपीट हो रहा है, वो अधिक से अधिक कितनी बार हो रहा है। देखो अधिक से अधिक हो रहा है सबसे लास्ट डिजिट में देख लेंगे कितनी बार है अधिक से अधिक, 1 2 3 4 5 बार है, तो जितनी बार है उतनी ही काउंटिंग लिख देंगे, गिनती लिख देंगे, 5 बार है तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिख देंगे, और फिर इसमें हम गुणा कर देंगे जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें हम 3 की ही गुणा कर देंगे, और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि दी गई संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए गुणा करते हैं 3 5 15 का 5 का हासिल 1, 3 6 12 और 1 हासिल 13 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 1 3, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 37035 37035। अब इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
देखिए यह क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से है, 4 44, 444 और 4444। तो इस प्रकार की संख्याओं को भी हम इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, 4 4 का अंक सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 4 बार दिया गया है, तो इसको हम 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4, और इस प्रकार इसमें गुणा करेंगे। जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसी अंक के हम इसमें गुणा करेंगे 4 के, और तब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा 4 चौक 16, हासिल 1 4 के 12 1 13, हासिल 1 4 दुनिया 8 1 9, 4 एकम 4 49 136। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 49 136। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 6666। अब देखिए 66,666, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको भी इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं 6 का अंक अधिक से अधिक 5 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5, और जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसी अंक की गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का जो दी गई संख्या है इसमें इन सभी का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल 2, 6 3 18, 2 20, हासिल 2, 6 2 12, 2 14, हासिल 1, 6 कम 4 1 7, 74,070। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 74,070।